और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बिलाल आसिफ जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रेंचाइज ओवरसीज वॉरियर्स को इन किंगडम वैली केपीएल सीजन 2। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। कैसी तैयारी है केपीएल की और कितने एक्साइटेड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है और जो कि काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो ही स्टार्ट होगा फिर उस हवाले से हम लोग इंशाल्लाह जो भी बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। और आप ऑलराउंडर हैं बिलाल, मुझे बताइए कि T20 मैच में कितनी रिलायंस होती है और कितनी इंपॉर्टेंस होती है एक ऑलराउंडर की? जी बिल्कुल, जैसा कि ऑलराउंडर पे डिपेंडेंट होती है टीम, क्योंकि बॉलिंग में भी बैटिंग में भी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, तो इसलिए दोनों शोबों में जो है ना वो आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है अपनी टीम को परफॉर्मेंस देने के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह जो भी चीज़ हाथ में आए, बॉलिंग हो बैटिंग हो, उसमें अपने आप बेस्ट करने की कोशिश करूंगा और टीम को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितवाएं। और टीम में किसके साथ सबसे ज़्यादा आपकी दोस्ती है? दोस्ती ऐसा चाहिए कि सब सीनियर जूनियर लड़के हमारा एक ऐसी चीज़ हमने कोशिश की है कि जितने दिन भी हम गैदर हुए हैं तो कोशिश की है कि सब लोग जेल होकर रहें, सब लड़कों के साथ हंसी मजाक भी चलता रहता है, इवन कि हमारा कोचेज के साथ भी बड़ा फ्रेंडली माहौल है हमारा, तो उम्मीद है कि ऐसे ही माहौल बना रहेगा और इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस भी तभी निकलती है जब आप फ्रीली होकर एक दूसरे के साथ अच्छा हंसी मजाक भी करते रहते हैं और काम के टाइम पे काम करते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि बेस्ट थिंग है हमारी टीम की। बिल्कुल, एंड अ लिटिल बर्डी टोल्ड अस बिलाल कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो हमारी आपसे छोटी सी ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं उनके लिए अगर आप हमें दो लाइनें सुना दें अपने कोई किसी भी पसंदीदा गाने के। जी ज़रूर, अभी क्योंकि सुना देते हूँ। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। थैंक यू, थैंक यू सो मच, दैट वाज वंडरफुल।